गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अल्कोहल जो बनाने की विधियां हम लोग पढ़ रहे थे, इसके अंदर हम लोग देख रहे थे कि कार्बोनिल जो कंपाउंड है उनके अपचयन से कैसे हम लोग अल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर फर्स्ट मेथड पढ़ा था हमने, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन से। तो देखिए, कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन जो है वो 3 टाइप से हो सकता है। उसमें फर्स्ट टाइप हम देख चुके थे, फर्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस कर चुके थे Na O C2H5 बाय सोडियम इथेनॉल, सोडियम इथेनॉल के द्वारा सोडियम प्लस एथेनॉल, इस कैटलिस्ट के द्वारा कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, और हमने इतना भी पढ़ लिया था कि हमेशा जो एल्डिहाइड होगा उन एल्डिहाइड से हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, और जो कीटोन है उससे हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, चाहे कैटलिस्ट कोई सा भी हो वो डिपेंड नहीं करेगा उसके ऊपर। ठीक है, लेकिन कैटलिस्ट के प्रेजेंस की वजह से रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, लेकिन रिएक्शन का नेम चेंज हो सकता है, लेकिन रिएक्शन के प्रोडक्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमेशा एल्डिहाइड क्या बनाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी हमने देख लिया था। एल्डिहाइड्स हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, जबकि आपके जो कीटोन्स होंगे वो हमेशा 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो 2 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे, ये हमने देख लिया था। ठीक है, आज हम देखेंगे सेकंड स्टेप के अंदर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सेकंड होगा AlIAlH4। ठीक है, सेकंड होगा, फर्स्ट NaBH4 के थ्रू देख चुके थे, सेकंड होगा बाय AlIALHO4, AlIALH4 तथा और एंड NaBH4। ओके, मतलब कि NaBH4 और AlIALH4 दोनों के द्वारा किस टाइप से रिडक्शन हो सकता है, किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का। ठीक है, तो सबसे पहले AlIALH4 क्या है वो देख लेते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है वो भी देख लेते हैं। AlIALH4 जो है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। AlIALH4 का फुल नेम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, अब देखिए इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे Li तो होगा पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, Al इसका सेंट्रल मेटल होगा, और यहाँ पे H इस टाइप से क्या, हाइड्रोजन्स बाइंड होंगे, और इस पे आ जाएगा नेगेटिवली चार्ज। ये है AlIALH4 की स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ तक ये कैटलिस्ट होगा, उत्प्रेरक है ये, एक तरीके से यही समझिए। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है, नोट कर लीजिए आप। देन इसके बाद हम लोग सेकंड देखते हैं, सेकंड होगा NaBH4, सेकेंड है NaBH4, इसको सही लिख लेते हैं, चलिए NaBH4
BH4। इसका नेम है सोडियम बोरो हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड, इन दोनों कैटलिस्ट के प्रेजेंस के अंदर होगा। इसकी भी स्ट्रक्चर देखें तो वैसी ही होगी, Na होगा प्लस का चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे B सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन है, और इससे क्या है 4H बाइंड है, ठीक है, 4H इस टाइप से है। मतलब इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या है आयनिक बॉन्ड फॉर्म है, आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई, NaBH4 की स्ट्रक्चर हो गई, ओके। तो ये नोट कर लीजिए, देन इसके बाद देखते हैं कि ये रिएक्शन के अंदर कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एक बहुत स्पेसिफिक, जिसे कह सकती हूँ मैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि AlIlH4 और NaBH4 एक स्पेसिफिक विशिष्ट उत्प्रेरक है, विशिष्ट अपचायक है, किसके लिए, कार्बोनिल यौगिकों के लिए। क्योंकि देखिए अपचयन मतलब कि जैसे कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल जैसे ये कंपाउंड दिया हुआ है और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, इस टाइप से ये, ठीक है। अब रिडक्शन की जो साइट है, अपचेन की जो साइट है, वो यहाँ पे भी जुड़ सकता है और यहाँ पे भी जुड़ सकता है, ठीक है भाई। हाइड्रोजन जो है, अब यहाँ पे मैं इसका अपचेन करवाऊंगी, यहाँ पे दो एच जोड़ूंगी, तो यहाँ से भी तो ये दो एच यहाँ पे भी तो बाइंड हो सकते हैं और ये दो एच यहाँ पे भी बाइंड हो सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी डबल बॉन्ड क्या है, ब्रेकआउट होगा, ठीक है, किसी भी टाइप से, और ब्रेकआउट होगा, एक एच यहाँ जुड़ जाएगा, एक एच यहाँ हो जाएगा, मतलब रिडक्शन साइट ये हो गई। और दूसरी बात, दो एच यहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, ये इस टाइप से मूवमेंट करेगा, नेगेटिवली चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज आएगा, एक एच यहाँ पे जुड़ जाएगा और दूसरा एच यहाँ पे जुड़ जाएगा। मतलब कि इस होल कंपाउंड के अंदर दो रिडक्शन साइट हो गई, दो अपचायक स्थितियां हो गई, दो जगह रिडक्शन हो सकता है, दो जगह अपचयन हो सकता है। लेकिन अगर इस टाइप से, इस टाइप की सिचुएशन आ जाए, इस टाइप के कार्बोनिल यौगिक आ जाए और उनका अपचयन करवाना होता है, तो हमेशा किसका यूज करते हैं, NaBH4 या फिर AlIlH4, क्योंकि इनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये हमेशा कार्बोनिल यौगिकों की साइट का ही अपचयन करते हैं, ये इसका अपचयन नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मैं AlIlH4 या फिर NaBH4 ये दोनों की प्रेजेंस ले लेती हूँ, तो हमेशा जो ये दो एच जुड़ेगा वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, वो प्रतिबंध हो जाता है कि ये दो एच कहाँ जुड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे, ये दोनों एच यहाँ पे नहीं जुड़ सकते, किसके प्रेजेंस के अंदर, AlIlH4 और NaBH4 की प्रेजेंस के अंदर। मतलब कि AlIlH4 और NaBH4 दोनों ने इस कंपाउंड को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, प्रतिबंध कर दिया कि ये दोनों OH, ये जो दो एच है, ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु कहाँ जुड़ेंगे, यहाँ जुड़ेंगे। ये भी रेस्ट्रिक्ट, ये भी रिडक्शन साइट है, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि ये रिडक्शन साइट नहीं है, रिडक्शन यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन अगर इनकी प्रेजेंस नहीं है, ये उपस्थित नहीं है रिएक्शन के अंदर, तो फिर रिडक्शन यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करना है, इसीलिए हमने उत्प्रेरक क्या लिए, AlIlH4 और NaBH4, ठीक है। और लेबोरेटरी के अंदर जो कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करके अल्कोहल बनाया जाता है, वो भी इन दोनों रेडिकल्स की, इन दोनों कैटलिस्ट की उपस्थिति में ही बनाया जाता है। ये जो तो कैटलिस्ट है, इन दोनों उत्प्रेरकों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मतलब कि कार्बोनिल यौगिकों का अगर कोई भी कंपाउंड है जिसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसका हमें रिडक्शन करवाना है, तो ऑलवेज हम किसका यूज़ करेंगे, AlIlH4 और NaBH4 का। मतलब डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और उसके साथ कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है, कार्बोनिल में यहाँ पे कीटोन भी हो सकता है और एल्डिहाइड भी हो सकता है, ओके, क्लियर यहां तक। तो ये विशिष्ट अपचायक है, क्वेश्चन आएगा AlIlH4 और NaBH4 विशिष्ट अपचायक क्यों है कार्बोनिल यौगिकों के अपचयन के लिए, ठीक है। तो क्यों है, उसका रीजन देखते हैं, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया। AlIlH4 एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नोट लिख लेते हैं यहां पे,
नोट कर लीजिए आप, LiLH4 और NaBH4 एक विशिष्ट अपचायक है, विशिष्ट अपचायक है, विशिष्ट अपचायक है, क्योंकि क्योंकि दिए गए कंपाउंड में, दिए गए यौगिक में, दिए गए यौगिक में, यौगिक में यदि दो अपचायक स्थितियां हैं, दो अपचायक स्थितियां हैं, दो अपचायक स्थितियां मतलब कि रिडक्शन साइट, रिडक्शन पोजीशन, इसे रिडक्शन पोजीशन भी लिख सकती हूं, रिडक्शन साइट या पोजीशन, रिडक्शन साइट या पोजीशन, यदि दो अपचायक स्थितियां प्रेजेंट है, प्रेजेंट को मैं इस टाइप से शॉर्टली लिख देती हूँ, चलिए उपस्थित है, दो अपचायक स्थितियां उपस्थित है, तो LiLH4 तथा NaBH4 हमेशा, देखिए यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे कार्बोनिल यौगिक लिख लीजिए दिए गए की जगह, क्योंकि कार्बोनिल यौगिकों में यदि दो अपचायक स्थितियाँ उपस्थित हो है, तो LiLH4 और NaBH4 हमेशा कार्बोनिल क्रियात्मक समूह तो LiLH4 NaBH4 हमेशा कार्बोनिल क्रियात्मक समूह का ही अपचयन करते हैं, ना कि दूसरी अपचायक स्थिति का, दूसरी अपचयन रिडक्शन। ओके क्लियर, दूसरी अपचयन स्थिति का नहीं करेंगे, ना कि दूसरी अपचयन स्थिति का, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, इससे और भी क्लियर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए आप। अभी एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे यहीं पे देख लेते हैं, एक है क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है, क्रोटोन एल्डिहाइड, जैसे ये फॉर्मूला दे दिया गया आपको, क्रोटोन एल्डिहाइड है और उसका क्या करना है, अपचेन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्रोटोन एल्डिहाइड का फॉर्मूला आना चाहिए, तभी तो हम लोग रिडक्शन कर पाएंगे। नोट कर लीजिए आप, देखिए इंपॉर्टेंट थिंग्स है, आप इन्हें ध्यान में रखेंगे तो रिएक्शन बहुत आसान हो जाएगी हमारे लिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस नोट को क्लियर करने के लिए, एग्जांपल है क्रोटोन एल्डिहाइड, क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है, एक एग्जांपल ले लिया मैंने क्रोटोन एल्डिहाइड। अब सबसे पहले क्रोटोन एल्डिहाइड का फॉर्मूला आना चाहिए, क्रोटोन एल्डिहाइड का फॉर्मूला आने के लिए देखिए मैं आपको एक बहुत शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर कभी भी फॉर्मिक एसिड सुना होगा, उसका फॉर्मूला होता है HCOOH, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है
HCHO, ठीक है, कीटोन का फॉर्म, कीटोन के अंदर तो चाहिए, 3 कार्बन तो मिनिमम चाहिए चाहिए। इस टाइप से अगर कहीं पे भी फॉर्म आ जाए तो इसका मतलब होगा उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 1 प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो अगर फॉर्म है तो नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 1 नंबर। यहाँ पे लिख देती हूँ नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन कितना होगा, 1 नंबर के अंदर। और उस यौगिक का नाम क्या लिखेंगे, नेम, इधर मैं लिख रही हूँ नेम और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 नंबर में प्रेजेंट है, इसको उल्टा करते हैं, इसको उल्टा लिखते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा। देखिए नंबर ऑफ कार्बन और उसका इधर उसका नेम, अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 नंबर के अंदर प्रेजेंट है, 1 कार्बन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमेशा उस कंपाउंड के अंदर नाम क्या लगेगा, फॉर्म लगेगा। जैसे आप मैथ लगाते हो ना, मैथ एथ प्रोपब्यूट, वैसे ही क्या होगा यहाँ पे, हमेशा क्या लिखेंगे, अगर 1 नंबर कार्बन प्रेजेंट है तो फॉर्म लिखेंगे। और ये पता है कहाँ की काउंटिंग है, IUPAC में मैथ एथ प्रोप लिखते हैं, लेकिन ये जो काउंटिंग बताऊंगी वो काउंटिंग चलती है आपकी ट्राइवियल सिस्टम के अंदर। अब आप कहेंगे मैडम अगर ट्राइवियल सिस्टम में चलती है तो हम लोगों ने एल्कोहल का ट्राइवियल सिस्टम देख लिया तो आपने वहाँ पर क्यों नहीं बताया, लेकिन ये रेस्ट्रिक्टेड है, ये जो नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे ये जो नाम आएंगे वो तभी आएंगे जब आपका क्रियात्मक समूह कार्बन कंटेनिंग होना चाहिए। अगर कार्बन प्रेजेंट है किसी भी कार्बन क्रियात्मक समूह में तो ही वहाँ पे ये काउंटिंग चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अदरवाइज कौन सी काउंटिंग चलेगी, वो मैथिल एथिल प्रोपिल वाली, ठीक है। तो ये काउंटिंग कब आएगी, जबकि क्रियात्मक समूह कैसा हो, हमारा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो। क्लियर यहाँ तक। अब OH था भाई, एल्कोहल में मैंने क्यों नहीं बताया, क्योंकि एल्कोहल कैसा क्रियात्मक समूह है, OH लगता है भाई, एल्कोहल है, एल्कोहल के क्रियात्मक समूह में OH आता है, तो यहाँ पे कहीं पे भी कार्बन है क्या इसके अंदर, नहीं है। लेकिन अगर, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे आ गया है तो इसका फॉर्मूला बनाना जरूरी है, क्योंकि देखो एल्डिहाइड है, यहाँ पे क्रोटोन क्यों आया, क्योंकि एल्डिहाइड का फॉर्मूला ये होता है, अब इसके क्रियात्मक समूह में कार्बन प्रेजेंट है इसीलिए यहाँ पे क्रोटोन आया है, ये वाली काउंटिंग चली है। तो क्रियात्मक समूह के अंदर अगर कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट होने वाला क्रियात्मक समूह है, तो ही ये काउंटिंग काम में लेंगे हम इन ट्राइवियल सिस्टम के अंदर। ट्राइवियल सिस्टम में ये काउंटिंग लेंगे, कब लेंगे, जब हमारा क्रियात्मक समूह कार्बन कंटेनिंग होगा, अदरवाइज हम लोग मैथिल एथिल प्रोपिल पे चलेंगे। अब यहाँ पे एल्डिहाइड है तो क्रियात्मक समूह कार्बन कंटेनिंग है, तो नेम कैसा चलेगा, इसके बेसिस पे चलेगा। तो यहाँ पे क्रोटोन है, क्रोटोन एल्डिहाइड क्या है, एक ट्राइवियल सिस्टम का नोमेनक्लेचर है ये। तो देखिए नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 नंबर में प्रेजेंट है तो फॉर्म लिखेंगे, सेकंड नंबर में 2 नंबर में 2 कार्बन प्रेजेंट है, फर्स्ट सी लिख देती हूँ, 2C लिख देती हूँ, 2 कार्बन प्रेजेंट है, 1 कार्बन प्रेजेंट है तो फॉर्म, 2 कार्बन प्रेजेंट है तो एसिड, इसीलिए पता है CH3COOH को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं इसको, इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, इसका अगर ट्राइवियल सिस्टम देखे जाए तो क्या बोलते हैं इसको, एसिटिक एसिड, क्योंकि इसके अंदर 1 और 2 दो कार्बन प्रेजेंट है, 2 कार्बन प्रेजेंट पे हमेशा क्या लगाते हैं, एसिड लगाते हैं। लेकिन ये कब रिस्ट्रिक्टेड है, ये नेम को प्रतिबंधित कर दिया मैंने कि क्रियात्मक समूह कैसा होना चाहिए, कार्बन कंटेनिंग क्रियात्मक समूह होना चाहिए। और COOH कैसा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जिसके अंदर की कार्बन प्रेजेंट है, तो ये वाली काउंटिंग चलेगी हमारी, एथिल वाली काउंटिंग नहीं चलेगी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वाली काउंटिंग चलेगी, ये वाली काउंटिंग चलेगी। अगर 2 कार्बन प्रेजेंट है तो ये चलेगा, 3 कार्बन प्रेजेंट है, मैथ प्रोपियोन, तो क्या लगेगा, प्रोपियोन। 4C प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, ब्यूटेर, ठीक है, क्या लगेगा, ब्यूटेर। 5C प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, ब्यूटेर वेलेर, क्या लगेगा, वेलेर लगेगा। इसको थोड़ा सा शॉर्ट ऊपर करके लिखते हैं ताकि सारे आ जाए यहाँ पे, नेम सही है वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्पेस की शॉर्टिंग है, एसिड। 3 कार्बन प्रेजेंट है तो प्रोपियोन, और अगर
फोर सी प्रेजेंट है तो ब्यूटेर, फाइव सी प्रेजेंट है तो वेलेर, ठीक है। और अगर यहाँ पे फोर सी प्लस एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्रिल। और अगर 5C प्लस एक कार्बन प्रेजेंट है तो क्या लिखेंगे, क्रोटोन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 4C और 1 कार्बन प्रेजेंट है तो एक्रिल लिखेंगे, और 5C और 1 कार्बन प्रेजेंट है तो क्रोटोन लिखेंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक। एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड होना चाहिए सबके अंदर, ठीक है। अगर 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, एक डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एक्रिल लिखेंगे। 5C कार्बन है, 5 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है तो प्रोटोन लिखेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, क्रोटोनिक एसिड हो सकता है, एक्रिलिक एसिड हो सकता है। अब मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, क्रोटोन एडिहाइड का बनाना है, मतलब कि 4 तो कार्बन लिखने हैं मुझे, 1, 2, 3, 4 कार्बन लिख दिए, ठीक है। अब एडिहाइड बनाना है तो ये CHO ग्रुप लगा दिया मैंने, ठीक है, और सबको जो और एक डबल बॉन्ड लगना चाहिए तो ये डबल बॉन्ड मैंने यहाँ पर लगा दिया, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने अब इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाइड कर देंगे, जो जिसकी जितनी वैलेंसी बची हुई होगी उसको सेटिस्फाइड कर देंगे, किससे, हाइड्रोजन से। और ये हमारा क्या बन गया, क्रोटोन एल्डिहाइड का फॉर्मूला बन गया। ये क्या है, क्रोटोन एल्डिहाइड। आप इन्हें नोट कर लीजिए, एक बार इन्हें नोट कर लीजिए, वो जो उधर लिखे हुए हैं। देन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसकी जो मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म कैसे चलेगी। एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए, सॉरी यहाँ पे आप 3C करिए, 3C करिए, यहाँ पे 3C और 4C, यहाँ पे आप 3C कर लीजिए। थ्री सी और एक डबल बॉन्ड, एक्रिल और प्रोटोन, ठीक है, और 4C, नोट कर लिया। चलिए तो ये हमारा क्या बन गया, क्रोटोन एडिहाइड का फॉर्मूला बनाना ना, तो यहाँ पे 4 ही आएगा, सॉरी क्रोटोन में तो यही है ना, सॉरी वेरी सॉरी, यहाँ पे डबल बॉन्ड 2H और H2, ठीक है। तो क्रोटोन में हमारे यही रहेगा और एक्रिल के अंदर हमारा ये चलेगा, ठीक है। तो ये नोट कर लेना, ये सही है, यहाँ पे 4C नहीं आएगा, यहाँ पे 5C ही आएगा। देखिए ये चीज़ें आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी, ये जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी कहीं पे भी। तो ये है हमारा क्रोटोन एडिहाइड का फॉर्मूला, ठीक है। अब क्रोटोन एडिहाइड के अंदर देखिए, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगा सकते हैं, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं। तो डबल बॉन्ड मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ और यहाँ पे भी लगा सकती हूँ, मैंने इसको मिड में लगा दिया, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्रोटोन एडिहाइड का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे CH3 को, मतलब इसका जो एंडिंग पॉइंट है उनको कंप्लीट करने के हिसाब से मैंने यहाँ लगा दिया। अब इस क्रोटोन एडिहाइड के अंदर देखिए, यहाँ पे इसको खोल के लिखूँ तो इस टाइप से लिख सकती हूँ मैं। तो यहाँ पे अगर मैंने LiLH4 या फिर NaBH4 ले लिया तो यहाँ पे रिडक्शन जो होगा वो कौन सी साइड का होगा, रिडक्शन के लिए मुझे यहाँ पे प्लस 2H करने पड़ेंगे। तो ये 2H कहाँ जुड़ेंगे, यहाँ पे जुड़ेंगे, ये 2H इस साइड पे नहीं जुड़ेंगे, इस साइड पे जुड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से रिडक्शन होगा और फॉर्मूला क्या बनेगा, CH3CH डबल बोन CH ये, देन इसके बाद यहाँ पे OH और यहाँ पे H एज इट इज़। तो ये बन गया हमारा, इस H को मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, ये बन गया हमारा क्या, एल्कोहल, ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल। तो इस टाइप से अगर आपकी
कहीं पे भी ये प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड वाला प्रेजेंट है और साथ में एडीआर भी प्रेजेंट है और LiH4 NaBH4 दिया हुआ है, तो हमेशा किसका, इसका रिडक्शन होगा। क्लियर? यहाँ तक नोट कर लीजिए, आप इसे नोट कर लीजिए, रिडक्शन यहाँ का नहीं होगा, यहाँ पे एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्लियर? अब देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे याद रखना हमेशा कार्बोनिल कंपाउंड, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनका रिडक्शन हमेशा लेब के अंदर किससे करेंगे, नोट, एक नोट डाल लीजिए लेबोरेटरी के अंदर, लेब में कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन हमेशा LiH4 व NaBH4 की उपस्थिति में करवाते हैं। क्लियर? ये आ सकता है कि लेब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर कार्बोनिल यौगिक का अपचयन किस कैटलिस्ट की, किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाते, तो हमेशा क्या लिखेंगे आप, LiH4 और NaBH4। क्लियर? अब देखते हैं, एक नोट और आएगा। देखिए ये जो रिएक्शन होती है उसके अंदर NaBH4 की जो रिएक्शन होती है वो वाटर और एल्कोहल, वाटर बन रहा है और एल्कोहल बने, वाटर बनेगा हमारा और H2 बाहर निकलेगा, तो NaBH4 तो वहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन करता है, लेकिन LiH4 जो है वो नॉर्मली बिहेव नहीं करता है वाटर और एल्कोहल के साथ। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है या फिर जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है किसका, इसका LiH4 का, वो नॉर्मल बिहेव नहीं करता वहाँ पे, क्या वियोलेंटली मतलब कि प्रचंडता से ये क्या करता है, विस्फोट होता है। तो यहाँ पे जब LiH4 से रिएक्शन करवाएंगे, इसकी उपस्थिति लेंगे, तो इसके साथ एक THF का भी यूज़ करते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का यूज़ करते हैं या फिर डाई एथिल ईथर का यूज़ करते हैं, डाई एथिल ईथर C2H5O, इसका यूज़ करते हैं किसके साथ, LiH4, क्योंकि LiH4 क्या होता है, एल्कोहलिक सॉल्यूशन या एक्वस सॉल्यूशन काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है, प्रचंडता के साथ वो क्या है, रिएक्शन देता है। तो अब इसकी देखेंगे मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देख लेते हैं, मैकेनिज्म भी पूछ सकता है वो आपसे। मैकेनिज्म ठीक है, मैकेनिज्म में देखिए यहां पे जो रिडक्शन होगा उसके अंदर जो H जो प्रेजेंट होगा वो NaBH4 और LiH4 से आएगा, तो इसकी मैकेनिज्म थोड़ी लॉन्ग प्रोसेस है, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, तो यहां तक आप इसके स्टेटमेंट्स और नोट्स को, आप नोट्स जो लिखा है उनको याद करिएगा एक बार। ओके, थैंक यू सो मच।